तो एलर्जी के सिम्टम्स काफी बढ़ गए हैं लाइक एस्मा, एलर्जी के सिम्टम्स इसलिए बढ़ गए क्योंकि पॉल्यूशन अडल्टरेटेड फूड मिक्सिंग वाले सारे आउटसाइड फूड कंज़प्शन बढ़ गया है बच्चों में पैकेट फूड बढ़ गया है बच्चों में मदर मिल्क इज द बेस्ट मिल्क कुदरत ने उसी हिसाब से न्यूट्रिय मिनरल्स फैट पानी ये सब ऐसे ही मात्रा में रखी एंटीबॉडीज एंटीबॉडी ममा के दूध के अंदर कि बच्चे को डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो नॉट ओनली फॉर द बेबी बट अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो तो आपको भी फायदे हैं मदर को भी फायदे इन दिन से भी आपने नॉर्मल दवाइयां ले ली और नहीं ठीक हो रहा है चाहे कोई भी बीमारी हो तो आपको पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना चाहिए छह महीने तक बच्चों को पानी भी मत पिलाओ माँ के ही दूध में सेवेंटी परसेंट पानी है जो पहला दूध आता है उनसे प्यास बुझती है जो आखिर का दूध आता है उनसे भूख मिलती है सो इंटरकास्ट मैरिज से हेल्दी बच्चे पैदा होते हैं यस yes. <laughs> <laughs> ये है आज की ताजा खबर इंडिया के एक लौते ऐसे पीडियाट्रिशियन आज हमारे साथ मौजूद है कि जिनके दो मिलियन से भी ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर फॉलोअर्स हैं कितने सारे अलग अलग कंट्रीज से लोग उनको फॉलो करते हैं और एक रोल मॉडल मानते हैं एक ऐसे इंसान के जिनका एक यूनिक स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट है बच्चों को वो इस तरह से इंजेक्शन देते हैं जिसमें बच्चे रोते नहीं है हंसते हैं आप सोच रहे होंगे कैसे संभव है तो वही तो हम बात करने वाले हैं अगर आप पेरेंट्स हैं या टू बी पेरेंट्स हैं और आप चिंता कर रहे हैं कि आपके बच्चों को लेकर जो भी हेल्थ चैलेंजेस है

आपके साथ बात करने का मौका मिल रहा है और काफी सारी चीजों पे बात की जाएगी आज बिकॉज इवन यू आर इनटू फिटनेस एंड हेल्थ का थिंग सो आई एम एक्साइटेड

उसको सिर्फ आपको प्रोफेशनल तरीके में उसको मिक्सअप कर देना इट्स अ रेसिपी आप जो हो उसको आप सिर्फ अपने प्रोफेशन में मिक्सअप कर दो और फिर जो बन के आता है वो अब लोगों को अच्छा लग रहा है सो गॉड इज काइंड एंड आई लव दम के सारे लोग जितने भी मुझे प्यार करते हैं आई आई एम लकी इनफ और वुड लाइक टू थैंक माई बच्चू ज्यादा तो जो मेरे साथ वीडियो में रहते हैं शायद उनकी वजह से भी मुझे लोग प्यार करते हैं क्योंकि उनके भी रिएक्शन देखने के लिए लोग काफी आते हैं यू ना you know, एक ढांचे में नहीं ढलना चाहता हूँ कि डॉक्टर हूं तो यू नो रहना है एकदम यूट्यूब पर एकदम प्रोफेशनली बात कम करनी है तो डॉक्टर सब्स जितने सीरियस है <laughs> तो उतने होशियार है बट बस मुझे अपना काम को एंजॉय करना है और उसी हिसाब से करते आ रहा हूँ सो जैसे कि कुछ भाई लॉयर रहते हैं कुछ बड़े साहब रहते हैं कोई टीचर रहते हैं प्रिंसिपल रहते है। तो पहले अपनी सोसाइटी में इस तरह से इमेज बनाई जाती थी कि सर है सर भी कम बोलते हुए आते थे हेलो सर ऐसा करते थे। मैं नहीं मैडम मैं मैं जैसा हूं वैसा ही हूं भले मैं डॉक्टर हूं लेकिन बस मैंने वो मिक्सअप किया था था। उसका तो रिजल्ट नहीं लेते हैं लाइफ को। नहीं लेना भी नहीं चाहिए सीरियसली मैडम जब लेना था तो बहुत ले लिया सीरियसली hmm. uh, तो हर किसी को लाइफ को लेना चाहिए अगर आप प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव hmm. से सोचो फैमिली पर्सपेक्टिव से सोचो परिवार के हिसाब से सोचो कंट्री के हिसाब से सोचो तो यस। इन्ना सीरियस इन्ना टिपिकल वे लेकिन सीरियसनेस ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं पूरा दिन सीरियस रह hmm. के अपना काम करूँ बिल्कुल और टू तो मेक अदर पीपल कंफर्टेबल आई थिंक उनके साथ मिक्सडअप होना पड़ता है hmm. उनके लेवल तक कंफर्ट जोन क्रिएट करना पड़ता है तो जब वेन आई क्रिएट दैट कम्फर्ट जोन विथ माई बचूज माई 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 पेशेंट्स एंड उनके पेरेंट्स के साथ तो फिर मेरा काम आसान हो जाता है आपके वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सर देखी है मैंने कि आप बच्चों को उल्लू बहुत अच्छा बना लेते हैं मतलब इंजेक्शन आप डाल रहे हैं बच्चे को पता है अभी तो एक्सप्रेशन चेंज होने वाले हैं और आप पता नहीं अचानक से स्टाइल है कि क्लैप करते हैं क्लैप करना नहीं। मैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए करता हूं डिस्ट्रैक्ट हाँ। एंड डिलीवर तो ये ऐसा रहता है कि मुझे एक मौका मिलता है जब मैं अपना डिलीवर कर देता हूँ जो मुझे करना है देखो बच्चे मुझे इसीलिए मैडम पसंद है कि बड़े नादान रहते हैं मासूम रहते हैं बड़े मासूम रहते हैं यार वो लोग को प्यार दो बिचारे को पता भी नहीं यहाँ पे इंजेक्शन लगने वाला है लेकिन मैं गाना गाता हूँ तो लोग भी देख के हंसते अच्छा कार्टून लगता है ये <laughs> सो <laughs> तो मैं भी थोड़ा कार्टून जैसा उनके सामने करने लगता हूँ इन द वे और रिएक्शन में उनकी आंखों में आंखें देख के मैं देखता हूँ की ये बच्चा हर बच्चे में मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाता कुछ लोग बहुत ज्यादा यू नो ममा को पकड़ के रखते हैं डरे हुए रहते हैं लेकिन जो बच्चा हंसता है मेरे से इंटरेक्ट करता है मुझसे मुझे पता चलता है इसको क्या चाहिए ताली बजाऊंगा तो अच्छा लगेगा गाना गाऊंगा तो अच्छा लगेगा कुछ कुछ खिलौना दिखाऊंगा तो अच्छा लगेगा उसको नहीं। 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 पहले मैं कंफर्ट करवाता हूँ उसके बाद उसको एहसास नहीं होता जब एहसास होता है तो मैं फिर से डाइवर्ट माइंड कर देता हूँ तो वो वो तो नहीं रोता लेकिन जो पेरेंट्स उसके पीछे खड़े रहते हैं उनको बड़ा वैसा होता है उनके चेहरे पर हाँ जी स्माइल और वो शौक खत्म खत्म कैसे कैसे हो? <laughs> तो ये सारी जो चीजें हैं जो वीडियो पसंद करना और आज के दौर की मैं बात करूं तो एलर्जी के सिम्टम्स काफी बढ़ गए हैं लाइक आसमा दमा दमा की शिकायत काफी बच्चों में बढ़ गई है बार बार सर्दी का होना एलर्जी के सिम्टम्स इसलिए बढ़ गए क्योंकि पॉल्यूशन Is a major mm -hmm. उस वजह से ये सारी चीजें इतना इसमें मुझे एक सवाल जरूर है क्यूँकी आपने बिल्कुल सही बताया मैं जितने भी पेरेंट्स मिलती हूँ जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं दो साल से लेकर मेबी आठ दस साल तक उनको ब्रोंकाइटिस हो सकता है आस्थमा जैसे आपने बताया या ब्रीदिंग डिसऑर्डर रेस्पिरेटरी yes, डिसऑर्डर बहुत yes, ज्यादा हो चुका yes, है yes. उसमें उनको ये डाउट आपने बताया कि वो जंक फूड अनहेल्दी ईटिंग बट क्या कोविड का भी कहीं रोल है उसमें कोविड का पर्टिकुलरली ऐसा कहीं पे भी प्रूवन नहीं है स्टडी में कि उसका रोल है ये सारी चीज़ें जो एलर्जी की वो जेनेटिक्स से भी आती है इफ़ योर मॉम डैड हैज द सेम कंप्लेन या उनको भी ये हिस्ट्री है तो आ सकती है बच्चों में लेकिन जिनको नहीं है पेरेंट्स में भी उन उनमें भी ये केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं तो कोविड का इस पर्टिकुलर से तो कोई रोल अभी कोई प्रूवन हुआ नहीं है कि कोविड के बाद बच्चों में ये सारी चीज़ें बढ़ गई है कोविड के दरमियान वैक्सीनेशन काफी कम हो गया था क्योंकि बच्चे बाहर नहीं निकल रहे थे तो लोग डरते भी थे तो कोविड के बाद जो वैक्सीन प्रिवेंटेड डिजीजेस थी वो बढ़ गई थी ओके, ओके। लाइक के केसेस हमने बहुत देख लिए रोटा वायरल डायरिया के, के केसेस हमने बहुत देखे देख लिए तो ये सारी चीजें पोस्ट कोविड चिकन पॉक्स काफी आने लगा मम्प अभी चल रहा था

वो काफी हमने देखे पोस्ट कोविड ओके वैक्सीन के ऊपर मैं उससे पहले अगर कोई बच्चों को एलर्जी हुई है कोल्ड काफ या कोई भी किस्म की एलर्जी है तो कुछ ऐसा है जो पेरेंट्स घर पे कर सकते हैं जो आप गाइड कर सकते हैं पीडियाट्रिक है ना हमेशा एज ग्रुप पे निर्भर करता है इसमें पर्टिकुलरली फिक्स पॉइंट नहीं रहता हर चीज चाहे वजन हो हाइट हो डिजीज की भी कितने इंसिडेंट्स है हैं। ये सारी चीज़ें एज ग्रुप जीरो टू थ्री इयर्स में थ्री टू टेन इयर्स में ऐसा सो इट डिपेंड्स ऑन एज अभी आपने मुझे बताया कि नॉर्मल चीज़ें सर्दी खांसी हो जैसे अभी विंटर में चल रहा है तो आप देसी ये सब दे सकते हैं आप हल्दी वाला दूध दो हेल्दी खाना दो जिससे उसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो गुजराती मापड़े कहना काड़ो सू दीजिए काढ़ा सो आप दे सकते हैं हाँ, लेकिन नॉट एकदम इन्फेंट को नहीं एक साल हाँ, के नीचे के बच्चों को नहीं बड़ो बच्चों को दे सकते हैं आप तो दे सकते हैं इट हेल्प्स यार और आयुर्वेदिक जितने भी चीजें हैं हुँ, हुँ, हु, ये तो जब साइंस इतना एडवांस नहीं था तब तो लोग यही सब लेके जी रहे थे तो मैं बिल्कुल भी एज अ डॉक्टर ये नहीं कहता कि इनकी कोई असर नहीं है इनकी असर रहती है लेकिन कुछ हद तक ओके क्योंकि पहले इतनी सिवियरिटी भी नहीं थी डिजीजों की जितनी अभी है

दादी और नानी ने बोला है तो उनको नाराज ना करिए उनकी बात भी सुनिए लेकिन आपके डॉक्टर की भी बात सुनिए दोनों साथ में करिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी हेल्दी बच्चा हमारे मिथ की वजह से या हमारे मिसकम्युनिकेशन या मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से आई वुड से राधर उसको नुकसान हो जाए तो ये चीज मैं बताना चाहता हूँ बिल्कुल सही इलाज जरूरी है सही इलाज सही वक्त पे वो लोग बीमार भी होते ना तो आर वेरी मच प्लेफुल मोस्ट ऑफ़ द टाइम पता नहीं चलता है सर इसको तो हंड्रेड एंड वन हंड्रेड टू बिखा रहे फिर भी खेल रहा है मेरा बच्चा वो लोग फिर जब ज्यादा हो जाता ना तो सडनली एकदम डिटोरिएट होने लगते हैं जी। तो उनका पता नहीं लगता है वो हाँ। बोलते भी नहीं तो उनका पता नहीं लगता अगर उनको फीवर उतर कि वो खेलने लगेंगे Oh, तो वो हाँ तो वो उनका पता नहीं लगता है इसलिए कई बार उसमें भी पेरेंट्स को पता नहीं लगता कि भाई वाकई में सीरियस है कि नहीं है तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करें डिपेंड्स जैसे कि मैं हरेक बीमारी का अगर कुछ ना कुछ बोलूं हुँ. कि अगर आपका बच्चा लिथार्जिक हुँ. हो रहा है सुस्त पड़ रहा है कोई भी बीमारी को लेकर नहीं खाना खा रहा है कुछ भी नहीं तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही है नहीं। अगर उसको रेस्पिरेटरी के प्रॉब्लम में अगर खांसी सर्दी बुखार बहुत तेज है तो आपको यह देखना है कि क्या क्या बच्चे की सांस लेने की जो गति है वो ज्यादा तेज चल रही है Okay. क्या वो उसकी जो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो रही है क्या वो नाक ज्यादा फुला रहा है क्या उसको सांस लेने में अलग आवाजें कर रहा है क्या उसके हाथ पैर मुंह के कलर चेंज हो रहे हैं अगर वो भी नहीं खाना खा रहा है तो कंसल्ट योर डॉक्टर अगर आप आप मैं तो हर एक अपने इंडिया में जितनी भी बीमारे मुझे सुन रहे हैं क्या अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो देर आर मल्टीपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड ट्रस्ट हॉस्पिटल आप वहां जाके दिखा दीजिए कहीं भी जो वैलिड मतलब डॉक्टर हो कि भाई बच्चों का ही डॉक्टर हो तो बेहतर होगा तो आप उनको दिखा दीजिए तो समस्या वो पहले जल्दी पकड़ ले तो हो सकता है फिर लेट हो जाता है तो दिक्कतें पैदा हो जाती है तो ऐसे सर्टन साइंस है अभी डायरिया अगर हो गया किसी को लूज स्टूल है और काफी दिनों से चल रहा है वॉमिटिंग डायरिया हो रहा है तो आपको डिहाइड्रेशन के साइंस पता होने चाहिए कि भाई वो पेशाब कम कर रहा है उसकी आंखें सूख रही है अंदर जा रही है मुंह सूख रहा है वो बच्चा एकदम लूज हो गया है तो ये सारी चीजें है कि तुरंत जाके तुरंत ट्रीटमेंट लो अगर तुरंत ट्रीटमेंट ले लिया तो दो तीन दिन में ठीक हो सकता है अगर वो एक डायरिया बड़ा कर दिया और उसके शरीर में से पूरा पानी निकल गया देन वो कलेप्स हो जाता है फिर हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते तो ये कितनी आज के जमाने में अगर ये चीज होती है डायरिया वॉमिटिंग से भी डेथ तो ये शर्म की बात होगी बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली मैंने कल ही केस देखा एक चले क्या मैं पूरा सेवन मंथ ओल्ड खुद को अफसोस हुआ कि बच्चा मेरे पास क्यों जल्दी नहीं आया या वो कहीं और क्यों नहीं गया कोई भी और उसको एडमिट क्यों नहीं कर लिया यार एक दिन पहले यार वो महीने नहीं सात महीने तो वो था बल्कि नौ महीने माँ के पेट में भी था सो सोलह so, महीने से अपनी मम्मी का साथ था तो मुझे मैं कभी आई बिट इमोशनल सो मुझे उस बात का दुख होता है कि मैं 2023 में मेरे देश में डायरिया वोमिटिंग से भी डेथ होती है तो ये नहीं होनी चाहिए आपको हर एक घर घर में पता होना चाहिए कि आप ओ आर एस पिला सकते हो अगर बच्चे को बिल्कुल नहीं टीक रहा है कुछ तो प्लीज हॉस्पिटल लेके जाओ अगर डायरिया कर रहा है तो डबल ओ आर एस नींबू पानी ये सारी चीजें देते रहो लिक्विड देते रहो ये सारे मेथड डायरिया में खाना ये मत खिलाओ ज्यादा हो जाएंगे अगर सब वो अगर बॉडी में कुछ टीकेगा ही नहीं और आप दोगे भी नहीं तो क्या हालत होगी हाउ सिस्टम वर्क्स? हाँ इट वॉन्ट वर्क तो ये चीजें कुछ चीजें हैं जो हमको कभी कभार हिला के रख देती है कि ये छोटी छोटी चीजें में हमको पर इमरान सर आपकी जो ये क्वालिटी है ना इमोशनल होना इन आई थिंक उसी वजह से लोग आपको प्यार करते हैं ये आई थिंक हर डॉक्टर में अगर आ जाए हर इंसान में आ जाए हर एक पेरेंट्स में अभी ऑलरेडी है बट आई थिंक वो इंफॉर्मेशन के साथ नॉलेज सही नॉलेज के साथ आ जाए आई थिंक हम हर बच्चे को हेल्दी बना सकते हैं तो जो पेरेंट्स हैं जो देख रहे हैं अभी उनको आप कोई ऐसी गाइडलाइन uh, देना चाहेंगे कि ये तो आप सहन कीजिए ही नहीं अगर ऐसा कुछ आपके बच्चे में नोटिस होता है आपके अनुभव आपका दस साल से भी ज़्यादा का अनुभव है तो कोई ऐसे इंसिडेंसेज या कोई ऐसे सिग्नल्स आपका बच्चा दे जो आपको तुरंत कैच करना और डॉक्टर को दिखाना या अलर्ट हो जाना जरूरी है ऐसा कुछ आ, जैसे कि अगर बच्चा तीन दिन दिन से भी ज्यादा बीमार है अगर तीन दिन से भी आपने नॉर्मल दवाइयाँ ले ली और नहीं ठीक हो रहा है चाहे कोई भी बीमारी हो तो आपको पीडियाटिशियन को कंसल्ट करना चाहिए ओके okay, तीन पहल, दिन से ज्यादा यस ओके अब दो या तीन दिन ही वेट कर सकते हो लेकिन अगर वॉमिटिंग हो रही है बच्चों को और पहले दिन ही कुछ नहीं टिक रहा है या दूसरे दिन भी तो फिर तीन दिन इमरान डॉक्टर इमरान पटेल ने बोला है तो नहीं तो फिर आपको उसी दिन जाना है अगर बच्चे को कन्वर्जन आ गया सीजर्स हाँ। हाँ। खेंच खेंच, गुजराती में और आंच की वगैरह जैसे बोलते हैं तो तुरंत जाना ही है ठीक है उसको चप्पल नहीं सुंगाना है उसको ये अनियन नहीं सुंगाना है ये सब चीजें नहीं करनी है लेके जाओ अगर उसको रैशेस आ रहे हैं तो आप माताजी मानो आप जो कुछ भी आप मानना है वो करो मैं क्या बोल रहा हूँ हमेशा दुआ और दवा आप करिए आप नानी को दादी को दादा को आप नाराज मत करिए उनकी भी बात सुनिए लेकिन आप हॉस्पिटल भी जाइए लेकिन अगर चिकन पॉक्स हुआ है और मिजल्स हुआ है और आप सात दिन तक बच्चे को एक रूम में रखते हो पत्तों के नीचे और सात दिन तक उसको नला नहीं रहे हो और उसको ऐसे जैसे अछूत हो उसको पड़े रहने दो फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं सो दिखाई दिया करो यार वो भी वायरस से होता है देखो मैं आपको बताता हूँ ये माता जी और ये जो भी बोलते हैं हर एक कम्युनिटी में मैं सिर्फ पर्टिकुलर कम्युनिटी में नहीं बता रहा हूं हर एक कम्युनिटी में अपने अपने नुस्खे हैं कोई भी वायरल डिजीज के जो पहले जो वायरल डिजीज आते थे उनका ट्रीटमेंट आज भी नहीं है काफी वायरल डिजीजेस का एंटी वायरल है नहीं सबके तो लोग क्या बोलते थे कि माता जी मतलब ये गॉड से हुआ आए हैं और ये ठीक सेल्फ लिमिटिंग है ठीक हो जाते हैं लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि भाई वो दस केसेस आते हैं तो नो तो ठीक हो जाते हैं लेकिन एक कॉम्प्लीकेटेड होके फिर दिक्कतें हो जाती है जी जी बिल्कुल और इसीलिए रिस्क नहीं लेना रिस्क नहीं लेना चाहिए और आपको दिखाई देना चाहिए आप घर के नुस्खे के साथ साथ जो बिलीफ है आपका वो भी रखो साइड में और साथ साथ डॉक्टर की भी सलाह मानो अगर डॉक्टर बोलता है कि मिजल्स में या वैसा कुछ हुआ है और आपके बच्चों को उसके साथ साथ निमोनिया भी हुआ है एडमिट होने की जरूरत है तो हो जाने का अगर वो बोल रहा है तो कि अगर उसको लग रहा है कि भाई तो इट इज बेटर नहीं बच्चा खा रहा है तो कर दो तो तो ये वैसे तो, lacks, कितनी बीमारियां है आई सिंगल पॉइंट लेकिन बेसिक चीज ये है कि अगर तीन दिन से ज्यादा बच्चा बीमार हो बच्चा खा पी ना रहो आपको लग रहा है आपका बच्चा कभी भी सुस्त हो तो आप प्लीज डॉक्टर के पास जाइए

जैसे जो कैंसर सर्जन होते हैं तो जब भी कोई कैंसर पेशेंट आता है और उनको बोलते हैं अरे आपको पहले आना चाहिए था अब बहुत लेट हो चुका अब मैं तो कर ही नहीं सकता कुछ अब झेलो <laughs> अब जब ये कहते हैं बेचारे ऑलरेडी उनको कैंसर <laughs> है हा, हा, हा। और सेम जो आपने बताया सर हुँ. कि जब कोई आते हैं उनके मम्मी ऑलरेडी टेंशन में है तब आपका कहना आप चिंता मत करो <laughs> We are, मैं हूँ, बैठा हूँ ये चीजें हैं, ये करना है कुछ भी करेंगे आप फिक्र ना कर ये सारी चीजें जो इमोशनल सपोर्ट रहता है तो ये मुझे दोनों रखना है एक तो मुझे भी सीरियसनेस पता है बीमारी का कई बार मैं भी तो अंदर से इंसान हूं ना तो मुझे पता है कि मैं जो प्रोमिस कर रहा हूँ क्या डिलीवर कर पाऊंगा तो वो स्ट्रेस तो मुझे रहता ही है लेकिन वो मेरा स्ट्रेस है कभी आप टेंशन में आ जाते हैं बच्चों को देख बच्चों सीरियस बच्चे जब ही रहते हैं और हमें जैसे कि अच्छे हो रहे हैं ग्राफ अच्छा जा रहा है फिर तीसरे चौथे दिन कुछ नया आता है तो काफी फ्रस्ट्रेटिंग और गुस्सा आता है और टेंस भी होते हैं कि यार वाई क्योंकि चैलेंजेस होता है हर चीज का अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशन एंड मनी एक हर चीज का एक क्रिएटिव इंसान के लिए भी होता है कि वो अद्भुत चीज बनाए आप भी स्पीच देने जाते हो तो आप चाहते हो कि आपके अंडर में जितने ट्रेन हुए उनका नाम रोशन हो तो वो बताएंगे कि किसके अंडर में तो हमें जो काम भले पैसे कितने भी मिले लेकिन हमें जो काम करना है उसमें हमें अव्वल रहना है कि जी। बेस्ट करना है जी। तो वो खुद का भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहता है कि इतना सीरियस बच्चा हमने घर पे भेजा तो पूरी टीम चार्जअप हो जाती है ना कि ये किस हालत में आया था आज घर पे जा रहा है खिलौना लेके पूरी टीम मेरी चार्ज अप हो जाती है जब वो होता है तो मुझे वैसा करना रहता है तो कई दौर आते हैं कई बार बहुत करने के बाद कुछ कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली कि इतने सालों के बाद औलाद हुई फिर उनको ये कॉम्प्लिकेशन हो, हो गए कई बार नहीं बचा पाए सो ब, बुरा लगता है कभी कभार तो बहुत... कैसे हैंडल करते हैं उस इमोशन को आप पहले तो मैडम ऐसा था कि इनिशियल स्टेज में तो मैं मुझे जब मेरा वेंटिलेटर्स पे और बच्चे रहते थे यह मैं बड़ी पर्सनल चीज़ बता रहा हूँ लेकिन लेट मी शेयर दैट एक्सपीरियंस विथ यू तो जो तो मेरे वेंटिलेटर पे बच्चे बच्चे रहते थे सिक रहते थे तो मुझे रात में नींद ही नहीं आती थी तो मैं हर घंटे ये सोचता था क्या उसके सेटिंग सेटिंग सब कुछ ठीक है कि नहीं वो ठीक तो कहीं सिस्टर कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे या कुछ ना कर दे फिर जैसे जैसे वी गेट यूज टू तो इट फिर वो कॉन्फिडेंट लेवल आते लगता है फिर ठीक लगता है फिर टीम अच्छी रहती है तो अब इतना अब मैं हैंडल कर सकता हूँ लेकिन इन, इन, इनिशियल फेज में मुझे काफ़ी दिक्कतें होती थी क्योंकि मैं मैं अब यकीन मानो मैं पेशेंट के पास बैठे रहता था आईसीयू के अंदर खुद कपड़े चेंज करूं खुद डायपर चेंज करूँ हाँ जी मैं करता था मुझे एकदम थोड़ा अप टू डेट चाहिए इवन मेरा सिख बच्चा भी हो तो मुझे वैसा है, उसको नहीं लगना चाहिए या मैं भी जब आऊं कि ये सिख बच्चा है और आईसीयू में नहीं और मेरी टीम भी वैसे ट्रेन हो गई है तो वो लोग भी अपने घर से खाना बना के लेके आते हैं बच्चों के लिए वो लोग भी कुछ ना कुछ लेके आते हैं दे प्ले अराउंड विद द किड्स तो अच्छा लगता है ऐसा माहौल में क्योंकि स्ट्रेस्ड माहौल में कहीं पे भी हॉस्पिटल फाइव स्टार हो या नॉर्मल हॉस्पिटल हो हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल है बिल्कुल आप बच्चों को गाना बहुत सुनाते हैं <laughs> <laughs> आप, like आपको सिंगिंग अच्छा लगता है या क्या रोल है म्यूजिक का बच्चों के साथ जो, a... <laughs> <laughs> yeah. so, uh, जो मोहब्बत करते हैं वो लोग बोलते हैं अच्छा गाना गा देते हैं लेकिन जो बहुत करीबी मेरे दोस्त सिंगर्स है जो अच्छे सिंगर है वो भी मेरा दिल रख लेते हैं कि हाँ ठीक है लेकिन uh, जो घर वाले वो तो बोलते हैं <laughs> नहीं, नहीं, कि <बिल्कुल> नहीं। <laughs> तो मैं सिर्फ ऐसे ही मेरे, मेरे चश्मे नीचे कर रहा हूँ कुछ एक्शन कर रहा हूँ तो वो सब नोटिस करते है ना वाई वॉच कार्टून दे वॉच कार्टून क्योंकि उनमें उनको मजा आता है कूद रहा है उल्टा होके ऐसा कर रहा है दे मेक डिफरेंट साउंड्स

चार से पांच मिनट मिलेगी या तीन मिनट मिलेगी तो उसमें मुझे अपना काम करना है जब मुझे चेक हो, रोते ही रहेंगे और पूरा दिन अगर मैडम सिर्फ रोने की आवाज सुनूंगा तो मैं खुद पागल नहीं हो जाऊंगा सही बात है तो अभी हमने वैक्सीन की बात करी थी सर तो बहुत सारे लोगों के अंदर मिथ है बहुत सारे मिथ जिसमें से एक मिथ है कि वैक्सीन एक्चुअली अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं अगर अच्छे हैं तो कौन से वैक्सीन कम्पल्सरी है जो हर बच्चों को देने ही चाहिए मैडम मैं ये सवाल ये पूछूंगा क्या हेलमेट पहनना जरूरी है एब्सोल्युटली <laughs> <laughs> तो मेरा जवाब यही है कि कंपलसरी नहीं आपको जितने भी वैक्सीन अवेलेबल है hmm. लाखों बीमारी लाखों वैक्सीन नहीं कुछ ही वैक्सीन मलेरिया से इतनी डेथ होती है hmm. मलेरिया की वैक्सीन नहीं बनी डेंगू से इतनी डेथ होती है डेंगू hmm. की वैक्सीन नहीं बनी है hmm. तो ऐसी बहुत सारी बीमारी जिसकी वजह से इतनी डेथ हो रही है फिर भी वैक्सीन नहीं बनी है तो जितनी वैक्सीन अवेलेबल है अपने पास इतना ही चाहिए लेकिन डेड कीटाणु जी वो वैक्सीन कुछ ज्यादा मैजिक नहीं करता वो डेड कीटाणु हम इंजेक्ट करते हैं अपने शरीर में या बच्चों के शरीर में फिर जब बच्चों की इम्यून सिस्टम है जो उसकी आर्मी है जो उसकी पुलिस फोर्स है पूरी वो एक्टिवेट हो जाती कि हाँ ये बाहर का बंदा आया है तो वो अपने हथियार उस पर्टिकुलर बंदे के लिए रेडी रखते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब ओरिजिनल बंदा वो दुश्मन आता है तो हमारी आर्मी हमारी पुलिस फोर्स रेडी रहती है उसको टैकल करने के लिए तो हम फेक सा बंदा भेजते हैं डुप्लीकेट उसका <laughs> आर्मी काम करती है अपना इम्यून सिस्टम फिर नेक्स्ट टाइम जब वो बीमारी से एक्सपोज होते हैं बच्चे ऑलरेडी तो प्रिपेड रहता है सिस्टम, तो उससे नुकसान नहीं हो सकता तो सारे जितने भी अवेलेबल वैक्सीन है मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं घबराइए नहीं एक दो दिन के बुखार के लिए नहीं घबराना है आपको वैक्सीन दिलवानी है अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है आप गवर्नमेंट में दिलवा दीजिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई

जो फिर भी नहीं है कुछ वैक्सीन जैसे कि अभी कुछ बीमारियां कुछ रीजन में कॉमन है जैसे कि यूपी में जैपानीज कॉमन है उसकी वैक्सीन अपने शेड्यूल में नहीं है लेकिन अगर यूपी से बंदा जाने आ जा रहा है वहां पे है तो उसको जैपानीज एनके वैक्सीन ले लेनी चाहिए जो यूएस जाता है वहां पे कंपलसरी है मैंने कल वैक्सीन लेना हमारे शेड्यूल में नहीं है स्वाइन फ्लू की वैक्सीन इतना स्वाइन फ्लू हो रहा है लेकिन वो हमारे गवर्नमेंट के शेड्यूल में नहीं है तो स्वाइन फ्लू की वैक्सीन ले लेनी चाहिए तो कुछ चीजें टाइफॉइड हो गया हेपेटाइटिस ए हो गया तो कुछ वैक्सीन है एचपी वी वैक्सीन जो सर्वाइकल कैंसर के लिए कॉमन है वो हमारे शेड्यूल में नहीं है लेकिन जो शेड्यूल में है वो भी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है जो गवर्नमेंट देता है गया। उसका गया। भी बजट बाकायदा पास होता है उसमें भी वैक्सीन आती है और आप ही के लिए है तो आपको दिलवा देनी चाहिए आप वैक्सीन से डरो मत वो तो वैक्सीन नहीं दिलवाते हैं और फिर अगर वो आती है तो मैं पूछता हूँ उनसे नहीं दिलवाई थी हालांकि वो गवर्नमेंट शेड्यूल में था ऐसा नहीं की नहीं दिलवाई तुमने क्यों पैसे खर्च नहीं किया मेरे को सिर्फ इतना था की आपको बच्चे को लेके जाना और दिलवानी है अब देखो अब आप रो रहे हो अब आप बोल रहे हो कि मैं चमत्कार कर दू दो दिन में तो आप तब क्या कर रहे थे जी। तो वो नहीं होने आपको लगवा आपके पास सबसे कम उम्र का बच्चा न्यू बोर्न पैदा होते ही आते हैं। ओ... nice you, ना हमारा कांच की पेटी रहती है उसमें प्री मैच भी आते हैं 500 ग्राम 600 ग्राम सिर्फ इतने में हाथ

अनफॉर्चुनेटली अगर बच्चा जल्दी डिलीवर हो जाता है तो उसके हर एक चीज कच्ची है प्रॉपर बनी ही नहीं चाहे हार्ट किडनी हेयर आइज एवरीथिंग इंटेस्टाइन सब कुछ जब वैसा रहता है तो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनकी इम्यून सिस्टम जीरो रहती है तो एक ऐसा मेरा केस था जो 600 ग्राम से भी कम का था तो पहले तो यही चैलेंजेस थे कि भाई इसके लंग्स इम्मेच्योर है नहीं। इसका ब्रेन इम्मेच्योर है इसको कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है वैसे सारे सार सब कुछ इमेच्योर किडनी जा सकती है उसमें से निकले तो फिर एक उसमें हार्ट की प्रॉब्लम हो गई कि उसकी जो एक वेसल्स थी जो मां के पेट में खुली रहती है लेकिन बाहर आने के बाद विद इन फ्यू आवर्स वो बंद हो जानी चाहिए वो खुली रह गई तो उसका ब्लड मिक्स अप हो रहा था अभी 600 ग्राम के बच्चे में सर्जरी करना और करवाना और उस सर्जरी से बाहर निकलना ये कितना चैलेंज है एक तो 600 ग्राम के बच्चे की मॉर्टेलिटी हाई है वो बचते ही 20% लोग या 10 टू 20% बचते हैं तो उसमें ये चैलेंज था कि क्या करे बट uh, देखो गॉड इज ग्रेट यही चीज कभी कभार तो unbelievable लगता है। तो उसकी 600 ग्राम के बच्चे की सर्जरी हुई। 600 oh ग्राम के बच्चे की सर्जरी उसका उसको सर्जरी करवाना उसके बाद का पोस्ट आईसीयू मैनेजमेंट में सब कुछ करना एंड शी सर्वाइव एंड शी इज नाउ टू ईयर ओल्ड टू ईयर ओल्ड सो ऐसे काफी किस्से जो रहते हैं जो हमें लगता है कि बहुत अभी परसों दो तीन दिन पहले हमने एक बच्चे को दिया जो था, और वही बच्चा जो दूध भी नहीं पी सकता था क्योंकि उसकी फूड पाइप और विंड पाइप कनेक्टेड है, है तो वो तो पूरा लंग्स में चला जाएगा जो दूध पिएगा वो तो उसको ऑपरेट सेम डे किया नेक्स्ट डे डिलीवर के नेक्स्ट डे किया सात दिन के आठ दिन के बाद जब वो घर जाता है दूध पी के मम्मा का तो वो सेटिस्फैक्शन जो मुझे मिलता है तो दुआएं तो जो दुआएं मिलती है मुझे मिलती है मैं मैं यकीन से बोल सकता हूँ कि आई एम सो लकी कि आप करोड़ों रुपए कमा कर भी जो इज्जत और दुआएं मुझे मिलती है जो मेरी मम्मा के उम्र के लोग मेरी दादी की उम्र के, के लोग कोशिश करते हैं मेरे पैर छूने के मुझे बड़ी शर्म आती है और साथ साथ में मैं कुदरत का और मेरे माँ बाप का और सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इतनी इज्जत के काबिल समझा कि मुझे मिलता है जब मम्मा की उम्र के लोग आपके पैर छूने के लिए आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है लेकिन वो इतनी दिल से, वो वो इतनी दिल दिल से से आता है और उनका प्यार और व... झलकता है जब कुछ अच्छा काम करते हैं तो और इसीलिए कहते हैं भगवान डॉक्टर का ही एक स्वरूप है और इसीलिए आप जो काम कर रहे हैं इट इज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड मतलब कोई शब्द नहीं है उसके लिए बट uh, जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं आज हम छोटे बच्चों में ऐसे प्रॉब्लम्स देख रहे हैं इवन छोटे बच्चे को कैंसर भी होता है हुँ। तो ये जो प्रॉब्लम हमने बहुत ज्यादा बढ़ा कर देखा है कि आज हुआ है डू यू थिंक जेनेटिक्स यानी कि, कि माँ बाप की जो लाइफ स्टाइल आज इतनी बिगड़ चुकी है कहीं ना कहीं उसकी वजह से वो अफेक्ट कर रहा है बच्चों की हेल्थ को जन्म के साथ ही क्या जेनेटिक्स रोल प्ले करता है जेनेटिक्स रोल प्ले करता है ये प्रूवन है कि अगर आपके फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज है तो आ सकता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर है तो आ सकता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलर्जी है तो आपके जीन्स में आ सकता है तो फिर क्या रहता है कि हस्बैंड और वाइफ अगर दोनों में माइनर माइनर प्रॉब्लम है माइनर माइनर जो कि उनमें मैनिफेस्टेड नहीं हुई नहीं। 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 उनमें दिखी नहीं हुई बीमारी लेकिन जो बच्चा पैदा होता है उनमें मेजर हो गया माइनर माइनर करके नहीं। 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 तो वैसी प्रॉब्लम्स जेनेटिक्स में आती है जेनेटिक्स एज अ मेजर रोल Yes. चाहे आपका पूरा स्ट्रक्चर का हो या कुछ बीमारी को लेके आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट छेड़ा हुँ. क्योंकि ये मैंने बहुत डिटेल में स्टडी किया है कि क्यों आपको जब शादी करते हैं तो दो अलग कल्चर वाले लोग जब मिलते हैं और शादी करते हैं जैसे आ, ऐसा कहा जाता है ना कि आप फैमिली में जो है इमीडिएट फैमिली उनके अंदर अंदर शादी नहीं होती है तो वो बायोलॉजिकली भी अच्छा है yes, क्योंकि जीन्स जितने डिफरेंट आए और जितने yes. अलग कल्चर से आए yes. अलग बैकग्राउंड से आए हाँ. उतना ही ज्यादा अच्छा है हाँ. तो इसमें आपके क्या थाट्स है आप करू yes, मैं तो बोलता हूँ कि गुजरात के लोगों को दूसरे शादी करनी चाहिए बिल्कुल तो कल्चर मिक्सअप होना चाहिए बेटर है जी बेटर है और आप काफी बीमारियों से भी बच सकते लेकिन हमारे उधर तो थोड़ा कल्चर है हमारे भी थॉट प्रोसेस चेंज हो रहे हैं पब्लिक यूथ भी चेंज हो रहा है आज इतना लोग नहीं सोचते यार आज कौन ढूंढने जाते है लोग बोलते अपने आप से ढूंढ लेना और शादी कर लेना अभी नहीं अभी टेंशन नहीं लेना चाहता तो अभी चेंज हो रहा है लाइफ लेकिन ये साइंस के बेसिस पे पर बात करें तो जितना भी अगर आप डिस्टेंट रिलेटिव से शादी होती है तो बेटर फॉर योर चिल्ड्रन एब्सोल्यूटली आई थिंक जो लोग जिनके पेरेंट्स नहीं मान रहे ना इतना शॉर्ट जरूर वो अपने parents को दिखाना <laughs> हमारे लिए नहीं आप हमारे आने वाले बच्चों के लिए सोचो <laughs> आप ये करके बोल देना ये कि ये साइंस में प्रूवन है क्या आपको अगर किसी आप गुजराती हो और आपको किसी पंजाबी से प्यार हो गया महाराष्ट्र से प्यार हो गया और शादी करनी है तो बोलना कि मेरे आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा है बिल्कुल सो इंटरकास्ट मैरिज से हेल्दी बच्चे पैदा होते है, yes. <laughs> <laughs> ये है आज की ताजा खबर ब्रेस्ट फीडिंग का फेज आता है तो उसको लेकर बहुत सारे डाउट्स होते हैं पहले तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत सारे मदर्स जो है वो करवाते नहीं है कोई भी वजह से उसको लेकर भी मिथ होता है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेस्ट फीड लाइक मिथ आपने कुछ myth, experience एस, मैंने ऐसा लोगों से सुना हुआ है कि दो तीन चीज एक तो फॉर्मूला मिल्क दे दो चलेगा ब्रेस्ट मिल्क की क्या जरूरत है या माँ को मिल्क आता नहीं है इसीलिए वो बच्चे को दे नहीं पाते हैं या माँ कहीं और है बच्चा कहीं और है कोई भी वजह से hmm. तो क्या ब्रेस्ट मिल्क ah. देना जरूरी है ब्रेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क बेस्ट मिल्क फॉर बेबीज कुदरत ने इंसान के बच्चों को इंसान का ही दूध सूट होगा hmm. इसमें कोई राय नहीं है कैमल के बच्चों को गाय का दूध देंगे बिल्कुल नहीं नहीं देखे और सिंपल लॉजिक है उसके जो दूध में कुदरत ने जो बनाया जो कोई कंपनी बना नहीं सकती है कुदरत ने उसी हिसाब से न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स फैट पानी ये सब ऐसे ही मात्रा में रखी एंटीबॉडीज सब दूध के अंदर ममा के दूध के अंदर के बच्चे को डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो उसकी किडनी रहती है सब कुछ रहता है बेबी तो उस तो तो बट अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो तो आपको भी फायदे है मदर को भी फायदे हैं उनको भी कैंसर से बच सकते हैं उनका जो प्रेगनेंसी में वेट गेन हुआ है वो कम होता है सो so, मदर बच्चों की जो बॉन्डिंग रहती है वो बढ़ती है काफी सारी बीमारियों से बच्चा बच बच्च सकता है क्योंकि मदर में जो एंटीबॉडीज रहती है वो डायरेक्टली जाएगी तो लोग बोलते हैं बकरी का गाय का अरे गाय का दूध गाय के लिए बकरी <laughs> का दूध बकरी के लिए इंसान बच, के बच्चों के लिए उसके मामा का दूध है हाँ लेकिन अगर आपने बोला कि सर कोई कारण सर कुछ हुआ अनफॉर्चुनेट इवेंट घर में कि बच्चा माँ के साथ नहीं है या कुछ हुआ तो अल्टरनेटिव ऑप्शंस आपके डॉक्टर्स बताएंगे जी। लेकिन आप मत करिए कि बकरी के दूध में पानी डाल के दिया गाय के दूध में पानी डाल के दिया बहुत सारे फिर कॉम्प्लिकेटेड केसेस आ जाते हैं महीने के अंदर ही एडमिट हो जाते हैं कि लूज मोशन हो गया पानी कम हो गया शरीर में से इन्फेक्शन लग गया बच्चों में सारी चीजें खून की कमी हो गई ये सारी चीजें होती है क्योंकि छह महीने तक तो बच्चे का पूरा सिस्टम सिर्फ मिल्क पे ही चलता है बिल्कुल तो मदर मिल्क ही बेस्ट मिल्क है उसमें पानी भी आ जाता है सेवेंटी परसेंट वाटर होता है मदर मिल्क में सेवेंटी परसेंट वाटर तो इसलिए कभी भी हम लोग बोलते हैं कि छह महीने तक बच्चों को पानी भी मत पिलाओ अच्छा माँ के ही दूध में सेवेंटी परसेंट पानी है जो पहला दूध आता है उनसे प्यास कि बच्चे को क्या चाहिए तो मदर आजकल ज्यादा सोचने लगी है ओवर कॉन्शियस है दूध नहीं आ रहा है ये है पहले कभी नहीं होता था मैडम पहले दस दस बच्चे हुआ करते थे उन लोग के पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था कि मेरे अलावा क्या ऑप्शन हाँ। तो लोग को दूध आता भी था और बच्चे पीते भी थे तो अगर आप इमोशनली स्ट्रेसफुल हो अगर आप कोई चिंता कर रहे हो अगर आप पेन में हो तो वो हार्मोन रिलीज नहीं होंगे आपको खुश रहना है आपको पॉजिटिव सोचना है और आपको ये सोचना है कि अगर मुझे बच्चा दिया है तो उसकी नसीब का दूध भी मुझे कुदरत देगा ही आप सिर्फ अपने बच्चे को लगाओ आपके पास और वो आएगा ऑटोमेटिकली आप छोड़ दो ऊपर वाले बिल्कुल अब अब सोचो मत ज्यादा कभी कभी हमने देखा है कोई जानवर को दूध नहीं आ रहा हो बच्चे के बाद <laughs> बहुत नहीं देखा रहेगा मैडम आपने क्योंकि वो, वो उसको पता ही नहीं हो बस उसको एक ही है कि मैं एक जगह पे हूँ अपना खाना खा रही हूँ बच्चा मेरा हुआ है बस वो बच्चा नहीं, आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया क्योंकि बहुत सारी मदर्स जो मुझे हमारे पास भी कंसल्ट करने को आते हैं कि दूध नहीं आता जो भी पहली चीज इमोशन पे ही वर्क होता yes. है जैसे आपने आपने बताया क्योंकि जो एक पॉइंट बोला ना वो बहुत मुझे अच्छा लगा कि माइंड से आपके हॉर्मोन्स हार्मोन्स हैं।, हैं और वो जो हॉर्मोन्स जो मिल्क बनाने के लिए जरूरी है वो रिलीज ही कैसे होंगे जब हम स्ट्रेस में हैं exactly. तो आज की मदर्स बहुत ज्यादा एंड आई रियली रिस्पेक्ट जो भी लोग काम भी करते हैं बच्चों को भी संभालते हैं रियली रिस्पेक्ट ऑल द मदर्स बट हमें

हर धर्म में कहा जाता है कितने भी पैसे वाले बन जाओ लेकिन अगर माँ बाप को दुखी करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा और हम, हम, मुझे यह सिखाया गया है कि मेरी माँ के पैरों के नीचे जन्नत है जी। तो ये, तो मुझे अगर जन्नत पानी हो तो पहले मुझे अपनी माँ को खुश रखना पड़ेगा तो मुझे अब एहसास होता है क्यों ऊपर वाले ने भी ये सारी चीजें सारे ग्रंथों में लिखी है इसलिए लिखी है कि जो रात दिन का जो त्याग मदस करते हैं अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए चाहे वो अपनी नींद खराब करते हैं चाहे वो अपनी फैमिली सेक्रीफाइस करते हैं बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं हमें बड़ा करने के लिए फिर हमारी सिस्टम चालू होती पढ़ा है पढ़ाई लिखाई की एक दाने में से पेड़ जब हम बनते हैं तो वो सारे प्रोसेस में माँ बाप का हाथ रहता है सो, टो, सो, टो। सो सारी माओ को और फादर्स को भी सलाम आप लोग बुरा मत माँ को जितना भी लेकिन अच्छा येस, येस, आप नमन करोगे और सलाम करोगे आपके घर में ही जन्नत है मैं बोलता हूँ हमेशा कहीं ढूंढने जाने की जरूरत है नहीं तो माँ बाप को खुश रखो क्योंकि बहुत तकलीफों से आपको बड़ा किया है yes. बहुत झेल के वो लोग एक बार तकलीफेल कर लेंगे अपना कुछ, एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे, लेकिन आपके कर... हमसे भी गलतियां हो जाती है हम भी कभी फ्रस्ट्रेड रहते हैं गुस्से रहते हैं तो कई बार इग्नोर कर जाते लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ अगर अनकंडीशनल लव और प्योर लव आई वुड से प्योर लव की डेफिनेशन हो तो माँ बाप और माँ बाप अपने बच्चों से जो करते हैं wow. है? इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं वो दुखी जरूर होते हैं जब वो बुढ़े हो जाते हैं और आपको जैसी हरकतें कर लेते हो फिर भी उनके मन में या उनके दिल में से बदुआ नि निकलती नहीं है hmm. बहुत ही ज्यादा आपने एक्सट्रीम किया तो ही निकलेगी और वो लेनी भी नहीं चाहिए वरना आपका जीवन में कुछ नहीं हो सकता वरना माँ बाप भले कितने भी दुखी हो लेकिन फिर भी अपने बच्चे का अच्छा ही चाहेंगे बिल्कुल क्योंकि उन्होंने उसको देखा है जब वो कुछ नहीं कर पाता था जब वो हाथ नहीं चला पाता था जब वो पैर नहीं चला पाता था जब वो खुद से खाना नहीं खा पाता था तब जाके माँ बाप ने सेवाएं की है जब वो खुद से दवाई लेके पी नहीं सकता था तब वो सारी जो भी है उन्होंने देखा है आपको बड़ा होते हुए तो सारी माओ के लिए सम्मान है उनकी रिस्पेक्ट है और आप सभी आपके माध्यम से जितने भी मुझे लोग सुन रहे हैं अगर जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो माँ बाप की इज्जत जरूर करो अगर आप कोई डिसीजन से अग्री नहीं करते हो ऑल थॉट्स की वजह से या कुछ भी तो आप कुछ रास्ता निकालो लेकिन उनका दिल मत दुखाओ। जितने भी लोग सुन हैं उनको इतना <laughs> मजा आ रहा होगा मुझे पर्सनली इतना मजा आ रहा है आपके साथ बात करते <laughs> और मैं इतना सब कुछ सीख रही हूँ मुझे लगता है कि जितने भी लोग सुन रहे हैं ना आपका हक बनता है और मैं रिक्वेस्ट भी आपको करना चाहूंगी की शेयर कीजिएगा इस वीडियो को क्योंकि हमारी बातें कुछ हजारों लाखों तक पहुंच सकती है बट आपके माध्यम से पता नहीं कहां कहां बातें पहुंच सकती है और ये जरूरी है अगर आपको लगता है जरूर शेयर करना है ना सर ब्रेस्ट फीडिंग की जब बात निकली है तो एक ट्रांजिशन होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग से लिक्विड लिक्विड से सॉलिड तो क्या प्रोसेस कहा जाता है तो फर्स्ट फर्स्ट मंथ्स मंथ्स तक ब्रेस्ट फीडिंग ही केवल एक्सक्लूसिवली Okay. फिर जैसे सेवन मंथ स्टार्ट होता है तो बच्चे की ग्रोथ इतनी हो जाती है कि फिर ममा का मिल्क पे उसका ग्रोथ आगे जाने के लिए सफिश okay. नहीं होता है okay. और तब उसके दूसरे ऑर्गन भी सारे मैच्योर हो गए रहते हैं okay. कि बाहर की चीजें डाइजेस्ट कर सके okay. फिर उसको लिक्विड आ, क्योंकि अभी तक तो वो सिर्फ दूध पिया है hmm. और अब, उसको अगर तुम डायरेक्टली सॉलिड फूड दोगे वो थूक देगा उस दे रू ना कि कैसे चू करना है और उतारना है उसको सिर्फ दूध के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं जी। तो उसको लिक्विड इंट्रोड्यूस किया जाता है जैसे जूसेस वगैरह हो गया दाल पानी पानी चावल का हेल्थी घर के सूप्स वगैरह अलग अलग डिफरेंट टेस्ट के वो आप इंट्रोड्यूस करते हो फिर बच्चे के मूड पे एवरी बेबी इज डिफरेंट किताबों से नहीं चलते एक माँ बाप की दो औलाद भी डिफरेंट रहती है जी। तो आपको उस अपने बच्चे को क्या अच्छा लगता है उसको सॉल्टी अच्छा लगता है उसको स्वीट अच्छा लगता है आपको पता लगता है धीरे धीरे लेकिन आप उसको

अब भी शांत हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है okay. लेकिन सबको मोटा बच्चा चाहिए और सबको बस एक महीने में ही मोटा कर देना है hmm. कि खिलाओ 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 <laughs> लेकिन उसमें क्या होता है फिर बच्चा इतना परेशान हो जाता है कि जब ही मम्मा प्लेट लेके आती है या बॉल लेके आते हैं तो उनको मालूम है कि अभी मेरा ये तो थर्ड डिग्री वाला टॉर्चर वाला टाइम हुआ है पकड़ के तो, तो नफरत हो जाती है यहाँ पे तो ना वो भी बड़ा अच्छी तरह से करना चाहिए लोगों को hmm. के ढंग से आप सारा घर का होम फूड दो उसमें भी लोग बड़े चिंतित होते हैं कि ये सब नहीं रिलैक्स अब दूध तो कंटिन्यू रखना है

घर पे रख के जा सकते हो okay. अगर कोई उनके नानी या दादी या कोई भी केयर टेकर है घर पे तो वो आप ही का दूध पिला सकते हैं right. तो आपका दूध आप भर हाँ एक्सप्रेस करके आप रख सकते हो फ्रिज में 24 घंटे रह सकता है दूध और बाहर भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी घंटे रह सकता है okay. तो आपका ही एक्सप्रेस करके आप जाइए ऑफिस जा सकते हो आप जाइए और फिर वापस आके आप अपना फीडिंग दो तो बच्चे को वैसा नहीं कि मैंने कंप्लीट बंद करवा दिया है ये जो है था ना मैं ऑफिस जाने का चालू करना है इसलिए बंद करवा दिया क्यों करवाना है अब इतना मिल्क निकाल के जाइए जी फिर जी, उसको जरूरत पड़ेगी तो ऊपर का दे देंगे कुछ परफेक्ट तो हाँ. सातवें महीने से लिक्विड ऐड करना है बट छह महीने तक उसको सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही देना ओनली ब्रेस्ट मिल्क पानी की भी आपने बताया बिल्कुल कि नहीं, नहीं. नहीं. Okay. बिल्कुल नहीं सेवन मंथ से फिर स्टार्ट करेंगे दैट okay. अराउंड uh, से चालू होता है फिर 100, 150 पी लेते हैं बच्चे okay. फिर देना है लेकिन उसके पहले कुछ भी नहीं ओके और जो लिक्विड दिया उसके बाद सॉलिड कौन से जैसे कि उसमें भी तुरंत सॉलिड पे नहीं आते हैं okay. तो उसमें थोड़ा स्मार्ट प्ले करना पड़ता है। okay. लिक्विड, उसकी एक साल का बच्चा सॉलिड खा सकता है okay. ना हो तो भी उनके गम इतने मजबूत रहते हैं अच्छा हाँ सॉलिड मतलब आई थिंक राइस 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 लेकिन सॉफ्ट नहीं जैसे कि एक साल का बच्चा आपके साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के आपका फूड शेयर कर सकता है ओके उसको खाने भी दो उसको कपड़े बिगाड़ने दो उसको मुंह में लेने दो हैबिट डालने दो आपके साथ ही बिठाओ उसके कपड़े निकाल लो आपके साथ ही बिठाओ लेट दे मुंह में सब लगने दो सब करने दो उसको हाँ। उससे उसको हैबिट आएगी अब उसको एकदम रोबोट की तरह मत रखो मत ना, 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 ना उसको पहले वो आदत डालने दो हैंड टू माउथ जो मूवमेंट है उसकी आदत डालने दो लेट यूम एंजॉय द फूड करेक्ट तो correct. वो फिर हैबिट हो जाती है ये लोग भी ऐसे खा रहे हैं हम क्या एकदम ऐसा करके फिर बीठा के एकदम ऐसा करके फिर चम्मच खोलो ओ, आ, तो वो लोग डरते है ये <laughs> तो ऐसा नहीं करना है कुछ पेरेंट्स बहुत ज्यादा यू नो डिसिप्लिन में अपने बच्चों को लाना चाहते हैं और उसकी वजह से बहुत स्ट्रिक्टली बच्चों को रखते हैं इवन एक्सपोज भी नहीं करते जर्म से कि मेरे हाँ। बच्चे बहुत सैनिटाइज करते हैं वो गलत बात है मैडम अभी जब तक वो लोग एक्सपोज नहीं होंगे तो खुद की इम्यून सिस्टम कैसे बनेगी जी हाँ उनको दिक्कत आ रही है की भाई इसको डस्ट से एलर्जी हो रही है सर डॉक्टर बोल रहे हैं कि हाँ, इसको डस से ही ही है तो आप उससे दूर रहिए क्योंकि फर्स्ट अगर नहीं है फिर भी उनके पीछे ऐसा नहीं, तो नहीं बच्चे बड़े होते हिसाब तो से उनको हर फेज ऑफ लाइफ हर फेज जिंदगी का एंजॉय करना चाहिए तो उनका भी जो वो फेज है आउटडोर एक्टिविटीज जाने दो लेट देम गिरने दो बाहर उनको भी गंदा होके कपड़े आ गंदा होने दो उनको फुटबॉल खेलने जाने दो क्रिकेट खेलने जाने दो गैजेट्स इतने सस्ते आ गए कि आप गैजेट से पकड़ा दे दो तो, जी तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए आप उनको आउटडोर एक्टिविटीज में फ्रेंड्स के साथ खेलने जाने दो ये सब करनी चाहिए सो so को एक्सपोज करना अपने आप को अपने बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी है धूल मिट्टी जितना खेले बाहर सैनिटाइज इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं बिल्कुल नहीं आपको मतलब इतना नहीं की चलो आके ठीक है दे कैन वॉश देयर हैंड एंड देन दे ईट दैट इज अ गुड हैबिट हाँ लेकिन ओवर सैनिटाइज करने की क्या जरूरत है hmm. अब नॉर्मल जैसे हम भी स्कूल में जाते थे खेलते हाँ. थे खाना खाते थे तो वैसा ही रहना है yes. लेकिन ओवर वो चीज करने की जरूरत नहीं है हम जानते हो लेकिन फिर भी आपके <laughs> एयरपोर्ट पे आपने भी सर देखा होगा कभी कभी एयरपोर्ट पे ये सीन बहुत कॉमनली व्यूअर्स ने भी शायद देखा होगा कि आ, मम्मी होते हैं ना स्पेशली कोरोना के बाद आ, वो जो चेकअप होता है सिक्योरिटी में और पास होता है उसमें जो बच्चे की बॉटल किसी को हाथ लगाए तो एकदम उसको सैनिटाइज और फिर बच्चे को भी एकदम सैनिटाइज करेंगे कोविड के बाद ज्यादा ज्यादा हो गया बहुत हो गया पहले इतना था नहीं बट इम्यूनिटी ड्रॉप कर देता है ना बच्चों हाँ। वो एक्सपोज होंगे तो मैंने बोला कि हमारे सिस्टम में है ही आर्मी और पुलिस फोर्स सिर्फ उसको जगाना रहता है जी नॉक नॉक करके <laughs> तो उनको जगाते रहो तो वो खुद ही इतना तो मतलब अगर उसको कोई गंभीर बीमारी नहीं है इम्यूनो डेफिशियंसी हाँ।

बीमार पड़ते हैं आज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारे बेड्स फुल रहते हैं या जाते हैं तो वहां पे बेचारे ये ही लोग मिलते हैं आपको बिल्कुल मुझे पता है हमारे वहाँ जो काम करते हैं उनके बच्चे अभी कुछ छः सात साल के होंगे और बार बार जो भी लोग काम करते हैं ज्यादातर लोगों के बच्चे कुछ सात आठ के आसपास छः से आठ के आसपास है साल के और हर महीने कुछ ना कुछ होता है तो आपने जो बोला वो कम्प्लीटली मैं रिलेट कर पा रही हूँ हाँ कि वैसा हाँ, वैसा नहीं रहता नहीं है।, है उनमें माल नरिशमेंट के, के केसेस काफी है विटामिन डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी आयरन काफी है, नीमी रहते हैं वो लोग बहुत सारे केसेस जो बुक्स में में देखने को मिलते हैं वो हॉस्पिटल्स में आते हैं ऐसे केसेस तो ये ये इन्हीं बिचारों को उनकी प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है उनको और सही एजुकेशन देना सही एजुकेशन अवेयरनेस अवेयरनेस एजुकेशन डाइट ये सारी रोल प्ले करता है अपने बॉडी के लिए तो ये सारी चीजें की प्रॉब्लम है तो ये भी एक मिथ है <laughs> इमरान सर बहुत मुझे मजा आ रहा है और इस मजे को थोड़ा और बढ़ाते हैं जी. मेरे पास कुछ सवाल है जी। तो जैसे शो बट uh, <laughs> मैं देखती थी और उसमें से आइडिया रैपिड फायर का हम सब जानते तो हैं तो फिर वो मिलता है ना कॉफी विद करण में वो मुझे भी मिलेगा <laughs> एंपर, <laughs> एंपर, एंपर, <laughs> सर <laughs> हमारा और सभी ऑडियंस का प्यार है चलेगा चला सो so, सर मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी जी आप जितना फास्ट आपके हिसाब से दे सकते हैं रेडी जी. जी. Uh, है. क्या बच्चों को अकेला सोना चाहिए या उनके साथ सोना उनके चाहिए? साथ पेरेंट्स के साथ सोना चाहिए हमेशा उनको अलग कमरे में नहीं, नहीं बिल्कुल चाहिए. नहीं कोई एक लाइन में वजह वजह ये कि जितने माँ बाप अपने पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड रहेंगे बेहतर रहेगा और जित बड़े होने के बाद ठीक है कि लड़की बड़ी हो गई आफ्टर ट्वेल्व फोर्टीन फिफ्टीन ईयर या लड़का बड़ा हो गया उसके बाद वो सेपरेट रूम में है लेकिन उसके पहले तो माँ बाप के साथ ही सोना चाहिए ताकि कुछ रात में भी अगर कुछ इमरजेंसी हो तो माँ बाप को पता चले कि कुछ हुआ है इससे ओके परफेक्ट गुड़ या शुगर आठ से नौ महीने के बच्चों को दे सकते हैं दे सकते हैं जैगरी इज वेरी गुड गुड़ में आयरन ज्यादा होता है तो गुड़ देना ही चाहिए दे ये सब जो पैकेट फूड रहते हैं जब छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल करते हैं पेरेंट्स कौन सी मैंडेटरी दवाईया है जो होनी चाहिए डिपेंड्स कौन से एरिया में ट्रैवल करते हैं अगर आप ऐसी जगहों पे जाते हो जहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है तो आपको विंटर्स के सारे कपड़े कैरी करने और दवाइयों की बात आई तो नॉर्मल दवाइयाँ जैसे बुखार की दवाई उल्टी की दवाई पेट दर्द की दवाई हो गई जो नॉर्मल टेम्प्रेरी उसको कहीं ट्रैवलिंग में या ट्रेन में फ्लाइट में या गाड़ी में है जहाँ पे अस्पताल आसपास में नहीं है तो टेम्प्रेरी रिलीफ दे सके वैसी कॉमन सिम्प्टोमेटिक रिलीफ जो दे सके वैसी दवाइयाँ लेके जानी चाहिए बुखार हो गया मैंने कहा कि नेजल ड्रॉप्स हो गए उल्टी की दवाई हो गई पेट दर्द की दवाई हो गई इयर ड्रॉप्स हो गए तो ये सब चीजें होनी चाहिए आपके पास। Perfect. आप जब छोटे थे आपको इंजेक्शन से डर लगता था? जैसे हाँ, कहा पहले भी के, साल से दो साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए को बिल्कुल गलत बात है अगर टीदिंग बेबी है वो बहुत रोता है उसको कैसे शांत करे कोई बेस्ट एडवाइस बहुत रोता है कैसे शांत करे जब बच्चा बहुत क्रैंकी होता है ना तब वो आप उसको वो जगह से हटा के उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए आप बाहर राउंड लगा दीजिए उससे काफ़ी बच्चे चुप हो जाते हैं बाकी बा, कई बार ये होता है कि टीथिंग की वजह से उसको यहाँ पे गम्स में खुजली आती है ईयर पेन होने लगता है हेड भी होता है और कुछ जब चीज़ें अंदर डेवलप हो रही है तो दैट मूड स्विंग्स एंड डिस्टर्बेंस भी उनको रहता है तो वो एक प्रोसेस है जो थोड़ा परेशान करता है लेकिन आप बाहर चक्कर लगवा दीजिए Okay. या उसका माइंड डाइवर्ट करवा दीजिए और उसी वक्त उसको दूध भी भी पिला रही है तो उससे भी थोड़ा उसको इफेक्ट आता है अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा मसाज कर सकते हैं गम्स में ऐसा धीरे धीरे तो थोड़ा फिर इस तरह से okay. ये करवा सकते तो उनसे थोड़ा काफी रिलीफ मिलता है उनको या फिर डॉक्टर इमरान का वीडियो दिखा दीजिए तो दिखा दीजिए यस <laughs> जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं हेल्दी चीजें नहीं खाते हैं उनको खिलवाने के लिए कोई टॉप टिप पहले जो आप इंट्रोड्यूस करोगे आपके बच्चे को वही पिज़्ज़ा कौन इंट्रोड्यूस करता है हम वेफर्स कौन इंट्रोड्यूस करते हैं हम आप अपने घर में वो इंट्रोड्यूस करो ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स वगैरह चॉइस सबके अलग अलग है लेकिन बहुत सारे वेजिटेबल्स है किसको ये नहीं पसंद किसको ये नहीं पसंद लेकिन आप इंट्रोड्यूस पहले से ही करो नहीं खाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है तो फिर एवरी चाइल्ड इज अ डिफरेंट तो उनको जो अच्छा लगता है वो दो लेकिन ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स उनकी डाइट में होने चाहिए काफी से, से मिलते हैं इम्यून सिस्टम इनसे अच्छी बिल्ट होती है फाइबर्स इसमें रहते हैं तो वो अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करिए और मे बी पेरेंट्स खुद खा सकते हैं हाँ पेरेंट्स भी खाइए अब मैं तो हमेशा बोलता हूँ मदर्स को कि आप डबल खाना खाइए डबल जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो आप डबल खाना खाइए फिर भी वेट गेन नहीं होगा क्योंकि आपकी इतनी कैलोरीज बन हो जाती है करेक्ट अच्छा जो नए पेरेंट्स हैं उनके लिए कोई बेस्ट एडवाइस एंजॉय योर पेरेंट हुड ठीक है अगर पब्लिक में बच्चा टेंट्रम मचाना शुरू कर दे तो कोई तरीका है हैंडल करने का उसको घर से ही तरीका देना पड़े अगर बच्चा टेंट्रम्स दिखाता है तो आप उसको उस पर ध्यान ना दो hmm. अगर बच्चा अपना सर पटक रहा है या कुछ लेट गया है घर में ही तो आप उस जगह से हट जाओ दूसरे रूम में चले जाओ अब जितना ज्यादा उस पर फोकस करोगे उतना आपका अटेंशन गेन करने के लिए ज्यादा करेगा फिर उन्हें नहीं पता चलता है बच्चे छोटे कि भाई ये घर है या बाहर वो बाहर भी करते हैं तो आप घर पे ही ऐसा माहौल लेकिन ज्वाइंट फैमिली के बच्चे ज्यादा करते हैं क्योंकि दादा दादी का एक्स्ट्रा प्यार मिलता है <laughs>

बहुत बड़ा हो गया उनके साथ कांड वैसा so, बच्चा रो रहा है तो उसको रोने दो रोने तो हाँ रोने दो कुछ मेजर नहीं है तो आप नोटिस कर लो कि उसको कुछ मेजर नहीं लगा है हाँ। या वो कुछ कर रहा है तो सेफ जगह पे है बस ऐसा नोटिस करके आप निकल लो वहां से लेकिन नजर रखो लेकिन उसको मत दिखाओ कि मैं तुरंत भाग के आऊंगा और तुरंत भाग के तुझे मैं अपनी गोद में ले लूंगा गोद में ले लूंगा तो फिर वो सर हर हर चीज में तुमसे गुल्लू गुल्लू मांगेगा जो बच्चे बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए कोई सलाह या पेरेंट्स के लिए सलाह बहुत तो आज के दौर पे ये बहुत चल रहा है स्क्रीन टाइम का पहले तो सस्ते गैजेट्स में बोला हूँ सस्ते गैजेट्स आगे हैं और बच्चे उसमें इन्वॉल्व रहते हैं और आजकल क्या यूट्यूब भी खोलो तो रेंडम चीजें आती है अभी बच्चे को नहीं मालूम कि उसको क्या देखना है और क्या उसके लिए सेफ है तो मैं तो स्क्रीन टाइम आधा घंटे से ज्यादा होना ही निये आधा एक घंटे से ज्यादा दिन का आउटडोर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रखो बच्चों को और टीवी पे देखे तो बेहतर है आईपेड या फोन से बेहतर है डिस्टेंट okay. पे हुँ. अगर वो भी कम टाइम में जो मैंने बताया अभी वो भी वो चैनल ही या वैसी ही चीजें आप उनको दिखाओ जिन जिनपे जिनसे उनके बिहेवियर पे कोई असर ना हो चाइल्डहुड में कोई ऐसी गेम जो हर बच्चा खेलना चाहिए चाइल्डहुड में ऐसी गेम कोई भी आउटडोर गेम जो आप सजेस्ट करते हैं कि हर बच्चे अरे इंडिया में क्रिकेट खेलना ही चाहिए सब बच्चों को <laughs> <laughs> बिल्कुल आपको क्रिकेट अच्छा लगता है हाँ बहुत खेलते थे संडे को जाते थे क्रिकेट खेलने बड़ा शौक था तो सर आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा हर शनिवार को हमारा पूरा जो ऑफिस स्टाफ है सारे लोग हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ इकट्ठा है। होते हैं हर सैटरडे खेलते हैं सर आप ऐसे चीफ गेस्ट <laughs> जरूर आइए हाँ जी 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 बैटिंग मिलेगी जरूर हाँ बोल दिया हमारी टीम ने ग्रेट जिस बच्चे को डार्कनेस का फियर है उसको टैकल करने का कोई तरीका है डार्कनेस का फियर सब बच्चों को तो होता नहीं है लेकिन पहले से अगर आदत डाली तो प्रॉब्लम नहीं आता है लेकिन okay. आप घर पे पूरा डार्क मत रखो अपना रूम कुछ तो एक आध लाइट छोटी सी होनी चाहिए सटल वाली जो इतना ना हो तो उससे फिर प्रॉब्लम नहीं है रहता ठीक है लेकिन ऐसे मेजर केसेस मेरे पास आते नहीं क्योंकि ये बिल्कुल uh, तो अंदर में डरता है सड़ा दिख रहा है तो डेंटिस्ट की विजिट करवा ही लेनी चाहिए ओके अभी फ्लू का सीजन थोड़ा चल रहा है कोल्ड कफ का फीवर का वगैरह अभी कोई टॉप टिप होगी जो पेरेंट्स के लिए जरूरी घर का खाना फ्रूट्स वेजिटेबल्स और इम्यून सिस्टम रखने के लिए जो भी होम मेड फूड ये सारी और घर के नुस्खे दूध हल्दी वाला ये सारी चीज़ें आप बच्चों को दो और नॉर्मल सर्दी खांसी तो हमको भी होती है एज में तो उनको भी होगी तो कोई दिक्कत वाला मसला नहीं है सारे फ्लू है या सारे वायरसेस है

इंस्टाग्राम के ऊपर जो इतना छाए हुए हैं मैं हर बार know, तो आपके इतने सारे फॉलोअर्स आपने कैसे बिल्ड किए क्या स्टोरी है टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता था कि इतने, इतने हो जाएंगे ये चीज होगी मैं डालते रहता था लेकिन छह महीने सात महीने से ज्यादा हुआ है मेरा एक रील बहुत वायरल हो गया वो इंजेक्शन का ही था जो काफी सेलेब्स ने पसंद किया सेलिब्रिटीज़ लोग मैसेज करने लगे अच्छा लगता है क्योंकि वो वीडियोस देख के स्माइल आती है लोग कनेक्ट कर पाते हैं उसमें दिखती है है उसमें उसमें प्यार झलकता ह्यूमैनिटी दिखती है उसमें, उसमें, उसमें पॉजिटिवनेस दिखती है तो यही मैसेज और पैगाम मुझे पूरे देश में और आउट ऑफ द मेरे मेरे कंट्री के बाहर भी देना चाहिए कि हम इंडियंस भी ऐसा काम करते हैं मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आप पॉडकास्ट पे आए थैंक यू आपका विजडम इतना अमेजिंग तरीके

जो फिट भारत मोमेंट को लेके है और आपका भी जो एटीट्यूड टुवर्ड्स द फिटनेस एंड हेल्थ है मैं आपको खूब खूब बधाई देता हूँ और आपको भी विशिंग यू ऑल द बेस्ट कि आप आगे इस काम को लेके जाओ बहुत सारे लोगों को हमें हमारे यूथ को रेडी करना है जिनको हेल्थ और फिटनेस के बारे में ज़्यादा जानकारी मिले इसको मोटिवेट कर, करते जाओ लोगों को ताकि यंगस्टर्स ऐसी सब एक्टिविटी में घुसे तो अच्छा है ये व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से बाहर निकले और ये सब चीज़ों में फोकस्ड करें जिसमें हेल्थ वेल्बिंग होलिस्टिक अप्रोच तो ये जो आप भी कर रहे हो वो भी काबिल तारीफ है तो आप भी करते रहिए और जहाँ पे हमारी जरूरत पड़ी कि हम आएंगे और कुछ इवेंट्स में साथ में मिलके काम करेंगे और गुजरात का और देश का नाम रोशन करने में अगर यूथ में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा देन आई वुड लव टू कम एंड We would help love to that. have you, sir. it इट विल बी आयर प्रिविलेज थैंक यू सो मच सर फॉर coming and मैं जरूर chahungi जो भी लोग सुन रहे हैं अगर आपको लगा जो मुझे पता है आपको लगा होगा कि बहुत यूजफुल है ये पूरा वीडियो पूरा पॉडकास्ट जहां पर भी आप सुन रहे यूट्यूब पर सुन रहे हैं जरूर शेयर कीजिए मेक श्योर sure कीजिए कि आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब किए हैं फिट भारत मिशन को ताकि ऐसे पॉडकास्ट आप सुनते रहे स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट जहाँ पर भी सुन रहे हैं लोगों को बताइए इसके बारे में ताकि हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सके बिकॉज याद रखे कि हमेशा हमें ही इस मिशन को उठाना है मैं अकेली नहीं हूँ सिर्फ सर या हम सभी काफी नहीं है आपका भी सपोर्ट चाहिए तो कमेंट में भी बताइए आपको कैसा लगा क्या सबसे बेस्ट लगा मैं जरूर चाहूंगी कि हमेशा याद रखिए सूत्र को जो हम हर बार कहते हैं कि हेल्थ है तो सब है जल्द ही मिलते हैं